हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, बुखार जैसा लगना, बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी लगना, हाथ पैर दुखना, बुखार जैसा लगना, या कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बुखार आ जाता है। आज के इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा जितना शॉर्ट वीडियो ये बन सकता है उतना शॉर्ट वीडियो बनाने की मैं ये कोशिश करूँगा। तो दो मेडिसिन आप सभी के साथ मैं ऐसे शेयर करने वाला हूँ जो मेडिसिन्स आपको आपके घर पर ही बहुत ज़्यादा थकान होना, बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस सी महसूस होना, शरीर में ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा थकान कमजोरी सी महसूस हो रही है, ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। दूसरा, जिनको थोड़ा बहुत गले में अगर खराश भी है उनके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको बुखार सा लगता है लेकिन बुखार उनको है नहीं है, जब वो टेम्परेचर से चेक करते हैं तो उनको फीवर होता ही नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी ये कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिंपली जो आपको फीवर हो रहा है, जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए मेडिसिन मैं बता रहा हूँ। और अगर चिकित्सकीय सलाह के साथ में अगर कोविड पेशेंट्स इन मेडिसिन को लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह ज़रूरी है। विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के आपको कोरोना के पेशेंट्स में इस दवाई को कंसल्ट नहीं लेना है, पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं लेना है, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। पहले सलाह लें डॉक्टर से, होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह लें, उसके बाद ही इन मेडिसिन का सेवन करें, ये कोविड पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो क्या हम मरीज को दे सकते हैं? अगर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फीवर महसूस होता हो, पेशेंट को ऐसा लगता हो कि हथेलियाँ गर्म है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, अनकॉन्शियबल थर्स्ट होती है, उसको प्यास पी लेगा पानी, उसके बाद में फिर उसको पानी प्यास लगेगी, थोड़ा देर में फिर पानी पी लेगा, फिर उसको प्यास लगेगी, तो इस तरीके की फीवर में, इस तरीके के सिम्टम्स में उसको डर बहुत ज़्यादा लगता है, फियर बहुत ज़्यादा है, डेथ ऑफ फियर है। डेथ ऑफ फियर मतलब कि उसको मरने का डर बहुत ज़्यादा लगता है, मैं मर जाऊँगा, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही कमाल की ये मेडिसिन है। दोस्तों, इस मेडिसिन में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो अभी ऐसे सिचुएशन में, पैंडेमिक में चल रहे हैं, जिन पेशेंट्स को कोरोना नहीं है, जो नॉन कोविड पेशेंट्स है, जो नेगेटिव जिनकी रिपोर्ट्स है, उनको भी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं तो अब बचूंगा ही नहीं, मेरे फेफड़े ऐसे ख़राब हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन टाइप का उनको हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही कारगर है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार होना या बुखार जैसा लगना, हाथ पैर गर्म रहना, शरीर गर्म रहना, सिर में दर्द रहना, ठीक है, प्यास ज़्यादा लगना, थोड़ी थोड़ी देर में मुंह सूखना, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है उसको, तो पानी ज़्यादा पीता है पेशेंट्स लेकिन उसकी प्यास बुझती नहीं है, तो ये सिम्टम्स मेडिसिन के हैं। उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसको बहुत ज़्यादा फियर होता है, ये सिम्टम्स हैं। बहुत ज़्यादा डर, इवन वो सड़क को क्रॉस नहीं कर सकता पेशेंट्स, ऐसे लक्षण उस मरीज़ में होते हैं, इतना ज़्यादा वो डर जाता है पेशेंट्स, ठीक है। तो इस मेडिसिन में आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और अच्छे तरीके से आप ठीक कर सकते हैं इन सिम्टम्स को। दूसरा, जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, जो पेशेंट्स नॉन कोविड हैं लेकिन उनको कॉमन कफ कोल्ड हुआ है या कॉमन उनको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, फीवर आया है, वायरल फीवर था लेकिन कोविड नहीं था, या बैक्टीरियल फीवर था, या उनको टाइफॉइड बुखार होने के बाद में उनको कमजोरी सी महसूस हो रही है, मलेरिया होने के बाद में उनको कमजोरी से, थकान से महसूस हो रही है, या जिनको खून की कमी हुई थोड़ी बहुत, उस ऐसे सिचुएशन में उन मरीजों को थकान कमजोरी से महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, हाथ पैर चल नहीं रहे, शरीर चल नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये दो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक्कोनाइट 30 पोटेंसी और जेल्सीमियम 30 पोटेंसी। अगर ये 30 पोटेंसी में आपको नहीं मिले तो 200 पोटेंसी में आप दोनों मेडिसिन ले सकते हैं। मैं दोनों मेडिसिन की आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको 200 पोटेंसी में बता देता हूँ, एक्कोनाइट 200 पोटेंसी, शायद आपको दिख जाए, नाम क्लियर हो जाए, और इसके साथ में जेल्सीमियम 200 पोटेंसी, इसे भी देख लीजिएगा,
ठीक है, अगर 200 में ना मिले तो 30 में ले लेना, अगर 30 में ना मिले तो 200 में ले लेना। लेनी कैसे है, अगर 200 पोटेंशियम में मिलती है तो सिंपली आपको 10-10 बूंदें आधे कप पानी में मिला के, दोनों मेडिसिंस को एक आधे कप पानी में दोनों मेडिसिंस को मिला के 10-10 बूंदें और सुबह शाम ले लेना है आपको। और अगर 30 पोटेंशियम मिलती है आपको तो 10-10 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर एंड शाम को, अगर 30 पोटेंशियम में आप लेते हैं तो। दोस्तों बहुत ही कमाल की मेडिसिन है, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं, जिनको थकान, कमजोरी, वीकनेस, जो बुखार है, जिनको बुखार जैसा लगता है, हाथ पैरों में जलन होती है, हाथ पैर उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में पेशेंट डरे हुए हैं, फियर ऑफ डेथ है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन प्यास बुझती नहीं है, अनकंट्रोलेबल थर्स्ट होती है उस पेशेंट की, तो ऐसी सिचुएशन में इस मेडिसिन से आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि आपको इसी कंपनी का ख़रीदना है, आपको अगर जर्मन का मिल जाए तो जर्मन का ख़रीद लीजिएगा, या दूसरी आपको कंपनी का मिल जाए, SBL का मिल जाए, जो भी कंपनी आपको मिल जाए, जो भी कंपनी आपको अवेलेबल आसानी से हो जाए वो कंपनी आप ख़रीद लें आसान तरीके से, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दोस्तों कितने दिन तक लेनी है, जब तक आपकी समस्या 50% रह जाती है, जैसे मान के चले आज आपने लिया और दो तीन दिन में ही आपको आराम मिल गया और उसके बाद में आप इसे केवल 5 दिन के लिए और कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी या तो आप 5 दिन लें इसको और उसके साथ में अगर आपको 5 दिन में 70% 80% आराम मिल जाता है तो फिर आप इसे 5 दिन के लिए और कंटिन्यूसली कर सकते हैं, यानी कि टोटली आपको 10 दिन लेना है, 10 दिन में आप बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। और ध्यान रखिए अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स कोई दूसरी भी आपको हो सकती है, कोरोना भी आपको हो सकता है, तो अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन लग रही है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेडिसिन में एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि कमेंट्स में मुझे सबसे ज़्यादा वही कमेंट्स मिलते हैं कि मेडिसिन आप सही से नहीं दिखाते हैं। दोनों मेडिसिन को आप एक बार देख लीजिए, एक्कोनाइट 200 पोटेंसी और जैल्सीमियम 200 पोटेंसी में है। और बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों को ये मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में दें, 200 पोटेंसी में नहीं देना बच्चों को, बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं तो 30 पोटेंशियम में दें, इस बात को आप याद रखें। बच्चों को कितनी दें, आधे कप पानी में, जिनकी उम्र 5 साल से ऊपर है, जिनकी उम्र 5 साल से ऊपर है उनको आधे कप पानी में केवल 4 बूंदें डालें, 4 बूंद इस एक्कोनाइट की, 4 बूंद जैल्सीमियम की, ठीक है, वो आप डाल करके और बच्चे को पिला दें दिन में 2 बार, सुबह एंड शाम को बस, ठीक है। बच्चों को भी हम 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है, इस बात को आप याद रखें। वृद्ध सिटीजन्स को हम दे सकते हैं, जिनकी उम्र 50-60 साल से ऊपर है, और उन पेशेंट्स को अगर प्रॉब्लम हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है, तो ये दोनों मेडिसिन मिक्स करके हम 15 से 20 बूंदें, जिनकी उम्र 50-60 से ज़्यादा है, तो 15 से 20 बूंदें आधे कप पानी में मिला करके दिन में 2 बार सुबह एंड शाम को दे सकते हैं। और बाकी जो अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो ट्रीटमेंट आप साथ में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उस ट्रीटमेंट में और इस ट्रीटमेंट में आपको कम से कम उस मरीज को टाइमिंग की जो वैल्यू है, कम से कम 1 घंटे का अंतराल उस पेशेंट को रखना होगा। आप इस पेशेंट को बताएं कि कम से कम 1 घंटे का अंतराल रखें दोनों मेडिसिंस में, मतलब कि ये दोनों तो साथ में ले सकते हैं, जो आपका अदर ट्रीटमेंट चल रहा है उस दवाई में और इस दोनों की दवाइयों में कम से कम 1 घंटे का अंतराल रखें, या तो पहले इसको ले लें या फिर पहले उसको ले लें, ठीक है, 1 घंटे पहले या बाद में, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें, मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, और अधिक वीडियोज़ देखने के चलकर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।